निगम प्रभारी के विरोध के बावजूद मंदिर के सामने लगा दिया गुमटी। सनचरी चौपाटी का पूरा मामला। बिलासपुर सिटी कोतवाली के पास से कुछ व्यापारियों को स्थानांतरित करके सनचरी चौपाटी के सामने निगम प्रशासन ने गुमटी बनाकर काबिज किया गया है। वहीं यहां पर लगभग 49 दुकानों को नियमानुसार निर्धारित जगह पर स्थापित किया गया है, किंतु इन्हीं में से एक दुकानदार ने अवैध रूप से अपनी जगह के बजाय मंदिर के सामने कब्जा कर लिया है। इस संबंध में यहां के स्थानीय व्यापारी जुबेर मेमन ने बताया कि इन्हीं गुमटियों में से एक व्यापारी करीम खान ने यहां के अध्यक्ष के सह पर अपनी गुमटी अपनी निर्धारित जगह से हटाकर रातों रात मंदिर के सामने लगा दिया है। इन्होंने आगे बताया कि इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट, निगम कमिश्नर एवं जोन प्रभारी से कर दिया गया है। वहीं जोन प्रभारी राजकुमार मिश्रा के द्वारा अवैध रूप से लगाए गए गुमटी को हटाने के आदेश जारी करने के बाद भी बालत रूप से काबिज करके हटाया नहीं जा रहा है। इस पर शिकायतकर्ता ने प्रशासन और निगम से अनुरोध किया है कि जिसे जहां पर जगह दे दिया गया है उन्हें वहीं रखा जाए। दूसरी ओर वहां के एक स्थानीय नागरिक सतीश कुशवाहा ने बताया कि मंदिर के सामने इस तरह से गुमटी लगा दिया गया है वह बहुत ही गलत है। इस गुमटी के कारण मंदिर के सामने अवरोध हो गया है, जिससे यहां आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में निगम प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए गुमटी को स्थानांतरित कर देना चाहिए। जो मंदिर के सामने में दुकान ठेला लगा दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? किसी भी धार्मिक स्थल पर अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए। लोग आराम से दर्शन करने आए, पूजा पाठ करने आए। अब यहाँ पे दो दो सुनने में आए कि यहाँ पे दो दो गुमटियाँ निर्माण किया जा रहा है, जिससे मंदिर का गेट तो बंद हो जाएगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि पीछे मंदिर है क्या है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पे गुमटी किसी प्रकार का कब्जा मत होने दिया जाए, गुमटी वगैरह ना लगने दिया जाए। इनकी जहाँ जहाँ पे दुकानें हैं उनको वहाँ पे स्थापित किया जाए, मंदिर के द्वार को स्वतंत्र रूप से खोला जाए, कहीं भी इस टाइप का अवरोध पैदा ना किया जाए कि भविष्य में किसी भी विवाद को जन्म मिले। मेरा शासन से यह अनुरोध है कि ये तत्काल कार्रवाई करते हुए नहीं बताएंगे किस संबंध में आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या है? ये गुमटी एसोसिएशन था सिटी कोतवाली के सामने, जिसको हटा के हमें यहाँ नगर निगम ने जगह ऐलान की और यहाँ 49 दुकान है। 49 दुकान में अवैध रूप से यहाँ दो गुमटी का सामने मंदिर के सामने जो कब्जा किया जा रहा है वो हम हटाने के बाबत यहाँ पे बैठे हैं और इसका विरोध करते हैं। नहीं, क्या था मतलब ये जो दुकान सामने लगा हुआ है ये किनका है और ये इसमें क्या था? ये असल में 41 नंबर दुकान में पेड़ आया था, नीम का पेड़। नगर निगम ने 41 नंबर दुकान मंदिर के सामने राज किया गया है, जो प्रेम लाल की, जिसको कलीम खान दुकान वाले ने अध्यक्ष के साथ मिलकर अवैध रूप से कब्जा किया। और हमने नगर निगम, नगर संभाग आयुक्त, कलेक्टर महोदय सारों से मांग की थी कि 41 नंबर में जो पेड़ था उन्होंने लोगों ने रातों रात कटवा दिया। अब हमारी यही मांग है कि 41 नंबर अपनी जगहों में जाए प्रेमलाल, और 7 नंबर कलीम खान है वो अपनी जगहों पे जाए। हमने इसकी मांग की है और दो बार जोन अधिकारी 5 ने, राजकुमार मिश्रा जी ने आदेश दिया हटाने का, उसके बावजूद ये गुमटी अध्यक्ष महोदय नहीं हटा रहे। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो और यह नगर निगम इस गुमटी को हटा के इस मंदिर की जो जगह इसको साफ किया। बता दीजिए। मोहम्मद जुबेर मेमन।